गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसी हो? उम्मीद करती हूँ तुम लोग सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हो। तो चलो आज हम लोग क्लास 10 की ज्यामिति से एक रचना सीखेंगे, ठीक है? रचना को इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन कहते हैं और इसे हम लोग निर्मेय भी कहते हैं। तो हम लोगों का अध्याय है 11वां, शीर्षक है त्रिभुज के परिवृत्त एवं अंतवृत्त की रचना करना, ठीक है? तो रचना सीखने के लिए तुम लोग अपने अपने कॉपी किताब अपने पास रख लो, उसके साथ साथ एक पेंसिल, एक स्केल और एक कंपास, इसके पेंसिल लगाओ इस तरह से। ये तीन चीज़ें अपने साथ अपने पास रख लो, ठीक है? तो आज हम लोग सीखेंगे त्रिभुज के परिवृत्त की रचना करना, ठीक है? चलो बच्चों, परिवृत्त बनाने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि परिवृत्त क्या है, ठीक है? तो देखो ये दो चित्र में क्या फर्क है, कुछ नजर आया? तो देखो दोनों चित्रों में, इस चित्र में देखो त्रिभुज के दो शीर्ष बिंदु त्रिभुज के परिधि पर स्थित है और एक शीर्ष बिंदु बाहर है, ठीक है? और इस चित्र में देखो त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु क्या है, त्रिभुज के परिधि पर स्थित है, ठीक है? ये देखो, तो इस अवस्था में और इस अवस्था में, इस अवस्था में इस वृत्त को हम लोग त्रिभुज का परिवृत्त कहेंगे और इस अवस्था में हम इसे त्रिभुज का परिवृत्त नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के परिवृत्त होने के लिए किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु अगर वृत्त के परिधि पर स्थित हो तो वह वृत्त परिवृत्त कहलाता है, ठीक है? अब देखो परिवृत्त के केंद्र को क्या कहते हैं? परिवृत्त के केंद्र को परिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिकेंद्र। और परिवृत्त के समझ लो ये ओ है इसका केंद्र, तो ये है परिकेंद्र। और इसके अर्धव्यास को क्या कहेंगे? परिव्यासार्ध कहेंगे। क्या कहेंगे? परिव्यासार्ध, ठीक है? समझ में आया? तो इस प्रकार हम लोगों ने परिवृत्त किसे कहते हैं समझ लिया। अब हम लोगों का क्वेश्चन देखो, ये है क्वेश्चन है एबीसी त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, एबी बराबर 5 सेंटीमीटर और एसी बराबर 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज एबीसी का परिवृत्त अंकन कीजिए। अंतिम भाग में है, केवल मात्र अंकन चिन्ह देना है हमें। बनाने के पश्चात, निर्मेय बनाने के पश्चात, रचना बनाने के पश्चात कैसे बनाया ये लिखना नहीं है, रचना विधि लिखनी नहीं है, सिर्फ अंकन चिन्ह देना आवश्यक है, ठीक है? तो क्वेश्चन है, फिर से एक बार पढ़ लो। एबीसी त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी बीसी 7 सेंटीमीटर, एबी 5 सेंटीमीटर और एसी 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज एबीसी का परिवृत्त अंकन कीजिए, ठीक है? ये माध्यमिक 2019 में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 का पहला वाला है, फर्स्ट क्वेश्चन। यही क्वेश्चन 11वां अध्याय यानी कि पेज नंबर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पेज 172 में देख लेना कि इसी क्वेश्चन को एकदम छोटा करके लिखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एवं 7 सेंटीमीटर त्रिभुज की रचना करो एवं परिवृत्त की रचना करो, त्रिभुज के परिवृत्त की रचना करो। देख लेना किताब में, एकदम ध्यान से देखना क्वेश्चन, यही क्वेश्चन एकदम संक्षेप में लिखा हुआ है। तो ठीक है, रचना को हम लोग तीन स्टेप में करेंगे। पहला स्टेप में हम लोग त्रिभुज का गठन करेंगे, ठीक है? त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बनाना है फर्स्ट स्टेप में। तो त्रिभुज बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनकी भुजाओं की लंबाई पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले बीसी भुजा है, इसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर, हम लोग ये 7 सेंटीमीटर खींच लेते हैं इस तरह से। बीसी हम लोगों का है 7 सेंटीमीटर,
उसके बाद है ए बी भुजा 5 सेंटीमीटर, ए बी भुजा लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर। नाम भी लिखती जाओगी और अंत में है एसी भुजा 6 सेंटीमीटर। ये इस तरह से हम लोगों को भुजाओं को कॉपी के क्वेश्चन के बगल में लिखना जरूरी है। ठीक है, हमारा पहला स्टेप है त्रिभुज बनाना। त्रिभुज बनाने के लिए हम लोग 3 भुजाओं को अंकन कर लिए। तो हम लोग आधार, फर्स्ट बीसी है, बीसी को आधार मानेंगे। आधार मानेंगे, देखो बीसी को आधार मानकर एक त्रिभुज का गठन करेंगे। बीसी हमारा 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब उसके बाद कंपास और पेंसिल की सहायता से इस भुजा की लंबाई को हम लोग माप लेते हैं। जैसे ए बी को माप लिया, मापने के पश्चात कंपास धीरे से उठाना और बी बिंदु पर कंपास रखकर एक चाप खींचना। ए बी भुजा की लंबाई है। अब ए सी भुजा की लंबाई, एसी भुजा की लंबाई लेकर हम लोग सी बिंदु पर कंपास रखकर पहले वाले चाप को हम लोग काट देंगे। ये चाप हमारा थोड़ा छोटा हो गया है, कोई बात नहीं। एक बार फिर से मैं पेन से कर रही हूँ, तुम लोग पेंसिल से करना। पेंसिल से ही करना ज़रूरी है, क्योंकि तुम लोग को वीडियो में दिखाई दे बोलकर मैं पेन से कर रही हूँ। इसका नाम ए, ए सी और ए बी को मिलाया। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट स्टेप हम लोगों का कंप्लीट हुआ, त्रिभुज बनाना। अब हम लोगों का सेकंड स्टेप है परिकेंद्र ज्ञात करना। सेकंड स्टेप क्या है हमारा? परिकेंद्र ज्ञात करना। इसे 6 सेंटीमीटर लिख लो। परिकेंद्र कैसे ज्ञात करते हैं उसको ध्यान से देखना। यहाँ पे परिकेंद्र ज्ञात करने के लिए हमें कोई दो भुजा को चुनना होगा, चाहे बी सी या ए सी, ये दो भुजा या ये दो भुजा ए बी और ए सी, या फिर ए बी और बी सी, दो भुजा। कोई दो भुजा को हम लोग समद्विभाजित करेंगे, इसका लंबार्धक खींचेंगे, लंबार्धक या समद्विभाजक खींचेंगे। चूँकि किताब में इन दो भुजाओं को लिया गया है, इसीलिए मैं भी तुम लोगों को दो भुजाओं को लेकर ही बताऊँगी यहाँ पर। तो सबसे पहले ए बी भुजा का हम लोग लंबार्धक खींचेंगे। ए बी की लंबाई से थोड़ा कम ले लो, आधा से ज़्यादा लेकर ए बी के एक तरफ बी बिंदु पर कंपास रखकर ए बी के दोनों तरफ एक एक चाप खींच लिए। फिर कंपास को उठाया, हिलाना डुलाना नहीं है, छोटा बड़ा करना नहीं है। ए बिंदु पर कंपास रखकर पहले खींचे हुए चाप को हम लोग काट लेते हैं। ठीक है, काट लेने के पश्चात अब हम लोग इस सरल रेखा को मिला लेंगे, इन दो बिंदुओं को मिला लेंगे। देखो ध्यान से मिलाना, हुँ।
इसका नाम हम लोग इस लंबार्धक या इस संधिभाजक का नाम हम लोग पी क्यू लिखेंगे, ठीक है। ए बी भुजा का जिस प्रकार हम लोगों ने संधिभाजक खींचा, ठीक उसी प्रकार बी सी भुजा का भी हम लोग संधिभाजक खींचेंगे। आधा से थोड़ा ज्यादा लो, बी बिंदु पर कंपास रखो, बी सी के दोनों तरफ चाप खींचो, थोड़ा बड़ा ही ले लो, ऊपर और नीचे थोड़ा बड़ा, ठीक कंपास को उठाना, फिर सी बिंदु पर कंपास रखना, रखने के पश्चात इस तरह से पहले खींचे हुए चाप को हम लोग काटेंगे। दिखाई दे रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। अब इन दो बिंदुओं का नाम, दो बिंदुओं को भी हम लोग मिला लेंगे, इसका नाम देंगे हम लोग आर एस। ए बी का संधिभाजक पी क्यू और बी सी का संधिभाजक आर एस, ये दोनों एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट रहे हैं, उसका नाम हम लोग देंगे ओ, ठीक है। तो ये ओ जो है हमारे बनने वाले वृत्त का परिकेंद्र है। अब देखो हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ, परिकेंद्र हम लोगों ने ज्ञात किया। अब हमारा तीसरा स्टेप है, देखो थर्ड स्टेप है हम लोगों का परिवृत्त का गठन करना, परिवृत्त बनाना। तो परिवृत्त बनाने के लिए ओ बिंदु को केंद्र मानकर हम लोग OA, OB अथवा OC, OA, OB अथवा OC कोई भी अर्धव्यास लेकर हम लोग वृत्त खींचेंगे। धीरे धीरे ध्यान से खींचना वृत्त, इस प्रकार हम लोगों का परिवृत्त का निर्माण हुआ। तो चलो बच्चों अब हम लोग परिवृत्त अर्धव्यास की लंबाई ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमें OA, OB एवं OC को मिलाना होगा। मिलाने के पश्चात तुम लोग स्केल की सहायता से कोई एक लंबाई ज्ञात कर लो OC, जैसे देखो ये लगभग 3.6 है, तो हम लोग लिखेंगे परि अर्धव्यास यानी कि OA बराबर OC, OB बराबर OC बराबर 3.6 आया, ठीक है। परिवृत्त अर्धव्यास इसी का दूसरा नाम है परिव्यासार्ध, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, 3.6 सेंटीमीटर। अब संक्षेप में एक बार फिर से जान लो कि परिवृत्त बनाने की विधि एकदम संक्षेप में। तो सब परिवृत्त बनाने के लिए सबसे पहले हमें त्रिभुज का निर्माण करना होगा, ठीक है। त्रिभुज निर्माण करने के पश्चात कोई दो भुजा जैसे ए बी का लंबार्धक पी क्यू एवं बी सी का लंबार्धक आर एस खींचा, खींचने के पश्चात ये दोनों जिस बिंदु पर काटेंगे उस बिंदु को केंद्र मानकर, चूंकि ये परिवृत्त का केंद्र इसीलिए परिकेंद्र कहेंगे, इसे केंद्र मानकर ओ ए अथवा ओ बी अथवा ओ सी अर्धव्यास लेकर हम लोग वृत्त का निर्माण करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? अगर समझ गई हो तो इसको ठीक से देखकर बना लो। बनाने के पश्चात तुम लोग अपने अपने बुक गणित प्रकाश के पेज नंबर 176 में परीक्षण करके देखे 11.1 का जो भी प्रश्न है, जितना हल कर सकोगे कोशिश करने की, हल करने की कोशिश करना, ठीक है। कोई असुविधा हो तो पूछोगी ज़रूर।